अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रहीम। आप देख रहे हैं मिल्की फूड चैनल, जहां से आप सीखते हैं घर बैठे बहुत ही आसान बेकिंग। और आज एक बहुत जबरदस्त रेसिपी सिखा रहा हूं, रेड वेलवेट चीज ब्राउनी। रेड वेलवेट केक भी बना सकते हैं और उसे आप चीज ब्राउनी भी बना सकते हैं। तो हम आते हैं रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत झटपट बनेगी। आपने सिर्फ फोकस करना है, पूरी वीडियो देखा करें, इसमें रेसिपी कार्ड आपको मिल जाएगा और वीडियो का लिंक, एवरीथिंग, कोई भी चीज है तो आप रेसिपी को पूरा देखा करें। आते हैं रेसिपी के, एक बॉल लेते हैं और इसको करने लगे स्टार्ट झटपट करके। ये बॉल ले लिया, बॉल के साथ विक्स ले ली। सबसे पहले देखें ऑयल जाएगा इसके अंदर, कुकिंग ऑयल जो आप रेगुलर घर में यूज करते हैं, कोई स्पेशल ऑयल नहीं चाहिए हमें। साथ ही डाल देंगे शुगर, दानेदार पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं और शुगर भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मिल्क, कोई सा भी दूध, फ्रेश मिल्क ले सकते हैं, टेट्रा पैक वगैरह कोई भी ऐसा मिल्क ले सकते हैं। उसके बाद आपने दही यूज़ करनी है। ये तीन चीज़ें, इसके अंदर चार चीज़ें हमने एक साथ डाल दिए और झटपट बनने वाली रेसिपी है। मिक्स कर लेते हैं इसको। अब दो अंदर जो अंडे रखे हैं इसके अंदर, ये अंडे भी इसमें वन बाय वन करके डाल दिए जाएंगे। यानी कि ये रेसिपी आप देखें कितनी झटपट बनने वाली है। ये अंडे भी इसके अंदर चले गए। अगेन इसको मिक्स करेंगे। कितना मिक्स करना है कि जो शुगर इसके अंदर बस ये हल हो जाए। लेमन जूस टेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, वनीला एसेंस, और इसके साथ हम हल्का सा, थोड़ा सा बिल्कुल हमने डाला इसके अंदर ऑरेंज एसेंस। ये सिर्फ इसका टेस्ट बरकरार रखने के लिए, ताकि इसका टेस्ट जब आप किसी कस्टमर को बना के दें या घर में बनाएं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए। चलें जी, अब जाएगा इसके अंदर मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। और आपने देखा कितनी झटपट रेसिपी रेडी हो गई। अब इसमें सिर्फ एक चीज डालनी है, वो रह गया आपका फूड कलर, मिल्कीज फूड का रेड कलर हम इसके अंदर डालेंगे, ताकि इसका कलर बहुत ज़्यादा शार्प हो जाए, क्योंकि मिल्कीज फूड का जो रेड कलर है वो बहुत शानदार है। अब आप देखिएगा कि थोड़ा सा कलर डलेगा और कितना इसके अंदर ब्राइट कलर आ जाएगा रेड। चैलेंज, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, इसको सिर्फ अंदाजे से डालना है आपने। पहले बहुत थोड़ा सा डालेंगे, फिर चेक करेंगे इसको। ये देखिए, थोड़ा सा मुझे और डालना है इसके अंदर कलर, एक साथ ज्यादा नहीं डाल दीजिएगा। ये देखिए, बस इनफ है। चलिए, ये देखिए प्रॉपर रेड हो गया, इससे ज्यादा कलर नहीं डालिएगा। एक तीन साइज पैन ले लिया आपने, 8 इंच का, हमने इसके अंदर पैन साइज के अंदर पूरा मिक्सर डाल देना है। 8 इंच का पैन लेना है आपने, स्पैचुला की मदद से इसको खाली कर देंगे अच्छे तरीके से। ऑलमोस्ट रेड वेलवेट केक हमारा रेडी हो गया है। अच्छा जी, चीज़ की फ्रॉस्टिंग, आपने क्रीम चीज़ लेनी है पक्की, टब वाली, और साथ इसमें डाल देनी है आपने चीनी दानेदार। करेंगे इसको मिक्स। अच्छा जी, अब ये एक अदद अंडा भी इसके अंदर चला जाएगा। फ्रॉस्टिंग भी इसकी झटपट बन गई। अब तरीकाकार क्या होगा कि इसको एक पाइपिंग बैग में डालेंगे, वो स्टेप मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका मेन स्टेप है, बहुत इजी है। चलें जी, मिक्सर रेडी, पाइपिंग बैग में डालते हैं इसको। ये देखें, पाइपिंग बैग में आ गया ये मिक्सर सारा। और ये देखें इसका तरीका क्या है, इसके अंदर से आपने इसको बिल्कुल अंदर इस तरीके से, जी जनाब, तरीकाकार आपने देख लिया कि अब हमने किस तरीके से इसके अंदर तक फिलिंग करनी है आपने। और बाकी जो मिक्सर बचता है हल्की सा ऊपर, जैसे मैंने टॉपिंग की है, अब इसको बेक करेंगे 170 पे तकरीबन आधा घंटा। मुलाकात होगी आपसे आधे घंटे के बाद। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी हुई हमारी कंप्लीट। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी बनाई है, जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप कप केक में भी बना सकते हैं और इससे आप रेड वेलवेट केक भी बना सकते हैं। चीज को हटा दें इसके अंदर से,
तो आपका केक रेडी हो जाएगा। चीज ऐड करेंगे, आपकी चीज ब्राउनी हो जाएगी। इस रेसिपी को आपने सेम ऐसे ही फॉलो करना है, वीडियो को पूरा देखा करें एंड तक। रेसिपी कार्ड इसके अंदर मेंशन होता है। आपके बहुत सारे सवाल होते हैं सर रेसिपी कार्ड किधर है, तो रेसिपी को पूरा देखा करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सके, क्योंकि शेफ होगा अब हर घर में। दुआ में याद रखिएगा, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।